तो स्वागत करता हूं आप सभी का संडे स्पेशल वीडियो में। तो आज का भी वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप भी देखना चाहते हैं इसी तरह का वीडियो हर संडे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और जाके हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को जरूर फॉलो करिएगा। तो आज का जो टॉपिक है, हमारे देश में दोस्तों जो टैंकर होता है, दूध वाला टैंकर यानी कि दूध वाला ट्रक और ऑयल वाला ट्रक, दोस्तों गोल क्यों होता है, स्क्वायर शेप में क्यों नहीं होता है, आज का टॉपिक जो यही है। और आज का फैक्ट जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप सबके भी मन में ये होगा कि दूध वाला जो ट्रक जाता है वो स्क्वायर शेप में क्यों नहीं होता है। आज का जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, तो वीडियो को जो है पूरा देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात, अगर कोई ऑयल वाला टैंकर या दूध वाला टैंकर स्क्वायर शेप में आएगा तो उसे बनाने के लिए जो है चार जगह पर वेल्डिंग करना होगा। जी हाँ, चार जगह पर वेल्डिंग करना होगा। इससे क्या खतरा होगा, अगर चार जगह पर वेल्डिंग किया इससे जो है हर जगह पर लीकेज होने का चांस 99% हो जाता है। जी हाँ, 99% जो है हो जाता है। अगर स्क्वायर शेप में बनाता है तो चार जो है लोहा लगाना होगा साइड बाय साइड, उसे वेल्डिंग करना होगा। वेल्डिंग करने से खतरा क्या होगा दोस्तों, कि चारों जगह पर जो है प्रेशर ज़्यादा बनेगा, या दूध या पानी या और जितना भी चीज़ होता है उसका प्रेशर चारों कोना में ज़्यादा पड़ेगा, और प्रेशर पड़ने से जो है उसका खतरा ज़्यादा होता है टूटने का। जब भी गाड़ी जाता है तो ऊपर नीचे होता है, तो प्रेशर जो है चारों कोना में हर जगह पर जाएगा, और चारों कोना में जाने से चारों कोना टूट सकता है और इससे लीकेज काफ़ी बड़ा हो सकता है। मेन तो ये प्रॉब्लम है कि आपको स्क्वायर शेप में देखने को नहीं मिलता है ऑयल का टैंकर या दूध का टैंकर। अब बात कर लेते हैं, अगर गोल साइड कोई बनाता है, कोई गोल साइड राउंड साइड बनाता है टैंकर, इससे जो फायदा होता है वो पहला बात कि एक ही लोहा से बन जाता है दोस्तों, ज़्यादा ओल्डिंग करना नहीं पड़ता है। एक ही लोहा को मोड़ने के बाद वहाँ पर एक ही जगह पर ओल्डिंग करना होता है, इससे जो है आपको कोई भी लोहा का बर्बादी नहीं हो रहा है, ओल्डिंग करने का कोई खतरा नहीं। गोल साइड रहने से एक और फायदा है कि प्रेशर जो पड़ता है वो सारा जगह पर एक ही प्रेशर बनता है। आप चारों कोना रहेगा तो चारों कोना में प्रेशर जाएगा, और गोल है तो सर हर जगह पर जो है सेम प्रेशर जाएगा, इससे कोई भी खतरा नहीं होता है टूटने फूटने का। लेकिन वह स्क्वायर शेप में आएगा तो हर जगह पर प्रेशर बनेगा तो टूटने का खतरा हो जाता है। अब एक और फायदा है, चारों जगह पर अगर कोना है तो साफ करने में कितना ज़्यादा परेशानी होगा, आप सब समझ सकते हैं। चार जगह पर ज़्यादा परेशानी होगा साफ करने में, और गंदगी जो पानी का बनेगा वो चारों जगह में जाके जम जाएगा और साफ करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। वहीं अगर गोल साइड में टैंकर रहता है, ट्रक रहता है दूध या मिल्क या फिर पानी का, तो उसे साफ करना कितना ज़्यादा ईजी है, एक बार में ऐसे करके साफ करेगा बस साफ हो जाएगा और निकाल देगा। वहीं अगर स्क्वायर शेप में रहेगा तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल झेलना पड़ सकता है। तो दो खतरा आता है, अगर स्क्वायर शेप में जो है दूध का टैंकर बनता या पानी का टैंकर बनता तो दो खतरा हो सकता है। पहला खतरा टूटने का, क्योंकि हर जगह पर ओल्डिंग करना पड़ता है स्क्वायर शेप में, और जो प्रेशर बनता चारों जगह पर बनता तो ये खतरा हो जाता है। तो कुछ इस तरह का फैक्ट था जो कि आप सभी को पसंद आया होगा। संडे में वीडियो आता है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लाना पड़ता है, तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। और इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं हर संडे, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और हर संडे आपको 6 बजे वीडियो देखने को मिल जाएगा। इंटरेस्टिंग फैक्ट, काफ़ी टेक्नोलॉजी फैक्ट, काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट वाला वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा हर संडे शाम के 6 बजे। तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलता हूं आप सभी से अगले संडे।